हाय एवरीवन, श्रीराम ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर, 11 का चैप्टर है शेल, उसके बारे में पढ़ेंगे। शेल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है नीड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। और ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें इसका यूज है, बहुत यूज है। लाइक यदि प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा सेल, बहुत टाइप के सेल आएंगे। एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू, तो वहाँ भी हमको पढ़ना होता है। तो बात मिला लगा कि यदि हम शेल को अच्छे से आ रहे हैं तो हर एक तरीका से जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उससे रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन घूम फिर के यही आना है, ठीक ना। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, आप तुम लोग ना पढ़े हुए होगे 9th में और कुछ ना कुछ इसके बारे में नॉलेज होगा। इसका डेफिनेशन पढ़ा होगा, क्या होता है डेफिनेशन? द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसको हम स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? स्ट्रक्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुम लोग पढ़ोगे जो अपने लोग जानते हैं, अपने लोग का बॉडी जो बना हुआ है, जितना भी या लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी बना हुआ है वो सेल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो मतलब सबसे छोटा पार्ट क्या है? सेल है। जैसे कि मकान का सबसे छोटा पार्ट क्या है? उसी प्रकार से अपने लोग के बॉडी का सबसे छोटा पार्ट एक सेल है, ठीक। सेल और सेल से क्या मिलकर बना होता है? बहुत सारा सेल दो पिन करके क्या बनाता है? टिश्यू। और टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गेन। और ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है, ऑर्गेन सिस्टम। और बहुत सारा ऑर्गेन सिस्टम करके क्या बनाएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसको क्या बोल सकते हैं? बॉडी। समझना आपको, एक टाइप का सेल्स मिलके क्या बनाएगा? टिश्यूज, ठीक है। और टिश्यू मिलके क्या बनाता है? ऑर्गेन। और ऑर्गेन ऑर्गेन सिस्टम। जैसे ऑर्गेन सिस्टम में क्या क्या पढ़ोगे तुम लोग? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब क्या है? सिस्टम है। और सभी सिस्टम मिलके क्या बनता है? एक बॉडी बनता है। हमारे अंदर कितने सिस्टम है? 5-7 सिस्टम है, ठीक है। तो हम ऑर्गेन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ऑर्गेन सिस्टम में क्या कौन कौन से ऑर्गेन सिस्टम पढ़े हो? कौन कौन पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेटरी, सब क्या है? सिस्टम। वो सभी सिस्टम मिलकर हमारा बॉडी बनता है, इसमें बहुत सारे सिस्टम होते हैं। ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर सबसे छोटा पार्ट कौन सा है इसका? एक बॉडी का सबसे छोटे लेवल पर ही आए तो क्या है? सेल्स। समझ रहे हो आपको? जैसे कि पढ़े जितना भी सब्सटेंस है, हर एक सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्ट क्या है? एटम। वैसे ही अपने बॉडी का सबसे छोटा पार्ट सेल, ठीक। अब ये पढ़ेंगे हम फंक्शनल क्यों बोलते हैं। फंक्शनल क्यों होते हैं? फंक्शनल बोलने का रीजन ये है, अपने लोग में कौन कौन क्या क्या चीज होता है। लाइक पहला बात में क्या होगा, एक बड़े बॉडी के स्तर पर देखो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है। सबसे पहली बात न्यूट्रिशन होता है, फिर उसका डाइजेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, समझ रहे आपको? हमारे अंदर ब्लड है तो उसका सर्कुलेशन होगा, ठीक। तो जितना फंक्शन हमारे अंदर है, ठीक, एक्सक्रीशन होता है, तो उतना ही फंक्शन एक सेल में भी होता है। तो एक छोटे लेवल पर हमारे बॉडी का सबसे छोटे पार्ट में क्या होता है? उतना ही फंक्शन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट। समझ रहे आपको? जितना फंक्शन एक बड़ा बॉडी कर रहा है उतना ही फंक्शन एक छोटा सेल भी कर रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल यूनिट। समझ रहे आपको? ऑल फंक्शन which are occurring in a body, जितना फंक्शन एक बॉडी में होता है, that much functions
अकर्स, ठीक है, अकर्स इन ए सिंगल सेल, इन ए सिंगल सेल, सिंगल समझे बात को, ये बात है, इसलिए इसको मतलब ये बात समझ में आ गया हम सेल को हम फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। ठीक, ये सब बेसिक सब बात है, ये डिफिनेशन हो गया जिसको हम एलाबोरेट किए। फिर ये पढ़ना था जो एक सेल होने के लिए मतलब एक सेल को एक कोई भी चीज तुमको दे दिए, ठीक है, नॉन लिविंग या लिविंग हो, तुमको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, कैसे बताओगे कि ये सेल है। सेल के लिए, सेल होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सेल क्या। मिनिमल रिक्वायरमेंट फॉर सेल, ठीक है, एक सेल होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। तो सबसे पहला बात होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ आता। दूसरी चीज होती है साइटोप्लाज्म, ठीक। तीसरा है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, और चौथा है रेबोसोम्स। हाँ, रेबोसोम्स हर एक के बारे में पढ़ेंगे क्यों जरूरी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों जरूरी है, ठीक। तो प्लाज्मा में हमको पता है कोई भी सेल जो है उसके चारों ओर जो बाउंड्री बनाने का काम करता है, कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक ना। हमको पता है सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। यदि हम उसको चारों ओर से घेरे नहीं, बाउंड्री नहीं बनाए, तो साइटोप्लाज्म एक जगह पे नहीं रहेगा, एक जगह पे नहीं रहा तो उसमें इतना सेल ऑर्गेनेल सब कोऑर्डिनेटेड रहेगा ही नहीं, तो मतलब सेल रहने का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, मतलब सेल खत्म हो जाएगा सीधा, तो डेड हो जाएगा। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन होना क्या है, बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका काम क्या, फिर बाहर के मटेरियल को अंदर लाने का काम करता है, वो सब कुछ होगा ही नहीं, काम ही नहीं रहा, ठीक है। डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर है जिसका क्या काम होता है, सब्सटेंस को आने और जाने देना, ठीक है, एक्सचेंज करवाना। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्यों जरूरी है, हम लोगों को पता है एक सेल में जो होता है तो मतलब बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सबका फंक्शन क्या होता है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड रहता है, ठीक। अब कोऑर्डिनेशन होगा कैसे, एक ऑर्गेनेल दूसरे ऑर्गेनेल से कैसे कोऑर्डिनेट करेगा, लाइक मान लो एक सेल है, मेरा न्यूक्लियस हो गया, यहाँ एक सेल ऑर्गेनेल है, यहाँ से सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक। इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, कुछ मीडियम है ही नहीं, समझे। इस मीडियम को बनाए रखने के लिए क्या होना जरूरी रहता है, साइटोप्लाज्म, समझे। यदि साइटोप्लाज्म इसमें रहा, ठीक, तो आगे चलते तुम लोग पढ़ोगे, एक होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, राइट, वो क्या करता है, मोशन करते रहता है चारों, जिसकी वजह से सभी जितना भी इसमें सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं सभी एक दूसरे से जुड़ा होता है, कुछ ना कुछ काम करते रहता है, फंक्शनली और स्ट्रक्चरली दोनों क्या होता है, जुड़ा रहता है। इसलिए हमको साइटोप्लाज्म होना जरूरी है, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, कैसा नेचर होता है इसका, सेमी फ्लूइड, सेमी फ्लूइड, ठीक। फिर आते हैं हम जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्यों जरूरी है, जेनेटिक मटेरियल इसलिए जरूरी है किसी भी सेल में उसके एग्जिस्टेंस के लिए जितना भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उसके जितने भी हमको एंजाइम चाहिए, फंक्शन का मतलब आपको पता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितना भी फंक्शंस होता है, ठीक है, जितना भी मेटाबॉलिज्म होता है, सबके लिए हमको क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। एंजाइम चाहिए क्या, प्रोटीन है, और हर एक का कोडिंग जो रहता है वो कहाँ था, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मीन्स डीएनए और आरएनए, सही बात है। इसलिए डीएनए और आरएनए क्या है, रहना जरूरी है, ठीक। फिर होता है राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या है, डीएनए है, ठीक। डीएनए से तुम जब पढ़ोगे आगे चल के, जो डीएनए से जो प्रोटीन बनते हैं, डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, ठीक है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, वो अमीनो एसिड के हेल्प से, लेकिन वो प्रोटीन बनता कहाँ, राइबोसोम्स में, मतलब राइबोसोम का मेन काम रहता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, इसलिए इसको हम ये भी बोलते हैं, ठीक ना, प्रोटीन फैक्ट्री बोल सकते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, क्या बोलते इसको, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ
ठीक है, हम समझ गए ये चावल क्यों जरूरी है। ठीक, इनमें से यदि एक भी चीज की कमी है सेल में तो उसको हम कंप्लीटली कंप्लीट से नहीं बोलेंगे। ठीक, अब पढ़ेंगे इसके हिस्ट्री, सेल किसने खोजा कैसे खोजा। आप पढ़ेंगे हिस्ट्री, ठीक है, तो सेल पढ़ते वक्त सबसे पहले किस साइंटिस्ट का नाम आता है सबके दिमाग में, सबसे पहले रॉबर्ट हुक आता है, रॉबर्ट हुक के बारे में। इसको डिस्कवर किया था सेल के बारे में, सेल को क्या कहते हैं डिस्कवर किया था। और सेल का नेम ही जो क्या पहले बार फोन क्या था ये रॉबर्ट हुक ही क्या था, ठीक है, इसलिए बोल सकते हो नेम भी, नेम भी क्या देते यही दिया था नेम, ठीक है, नेम से। तो कैसे खोजा था रॉबर्ट हुक, किस प्रकार के सेल को देखा था सबसे पहले, सेल कैसा था, डेड सेल था, कैसा डेड सेल था, ठीक है ना। इसमें क्या क्या था, कॉर्क सेल को, कॉर्क स्लाइस को छोड़ कॉर्क स्लाइस, पहले बात तो पता है कॉर्क क्या होगा, ठीक, कॉर्क क्या है, ये प्लांट का पार्ट है, ठीक ना, बार्क है, ठीक ना, प्लांट बार्क है, प्लांट बार्क। इसको क्या किया ये प्ले प्रोसेस किया, ठीक ना, प्रोसेस किया, जब मेडिकल कॉलेज में पहुंचेगा तो समझोगे इसे हम कोई भी सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, ठीक ना, उसको कैसे हम प्रोसेस करते हैं। ठीक, प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, उसको बहुत पतला से पार्ट में काटते हैं, बहुत पतला, ठीक है, जिनको पता भी नहीं चलता, मान लो 25 mm का आता है इस स्टेप से, इतना पतला काटते हैं, ठीक, उसको उसी पतला से काट के, ठीक, तो जो माइक्रोस्कोप से देखा क्या क्या कॉर्क स्लाइस को जब किसके सहारे देखा, वो माइक्रोस्कोप से देखा, ठीक है, जो कैसे दिखा दिया वो हनीकॉम लाइक चला कैसे था, हनीकॉम का स्ट्रक्चर तुम लोग देखे होंगे, इस टाइप से वो स्ट्रक्चर बना हुआ देखा, ठीक, तो हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा, ऐसा स्ट्रक्चर था, तो एक्चुअली देखा किसको था, इस चीज को देखा था, ये जो वॉल है ना इस चीज को देखा था, इसको हम क्या बोलते हैं शेल वॉल, शेल वॉल। तो रॉबर्ट हुक सबसे पहले देखा था वो शेल वॉल को, ठीक ना, और ये कंपार्टमेंट बना हुआ देखा था, ठीक है, और इसी कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया शेल, ठीक है, उसको ये भी शेल इसलिए दिमाग में आया क्योंकि वो ना पुराने जो जो मठ होते थे मॉनेस्ट्री सुना होगा मॉनेस्ट्री, ठीक है, जो मठ लोग जो साधु संत कहते हो वो लोग का जो घर बना रहता था ऐसे ही कुछ बना रहता था कोठली टाइप से, ठीक ना, और उसको मठ में क्या बोलते थे शेल ही बोलते थे, इसलिए इसका भी नाम होकर क्या रख दिया शेल, समझ आता है। और दूसरा साइंटिस्ट कौन थे, कौन से साइंटिस्ट थे जिसने लिविंग सेल को सबसे पहले बार देखा, तो कौन थे एंटोन लेवेनहॉक, एंटोन लेवेनहॉक, ठीक है, ये कैसा सेल को देखा सबसे पहले बार, लिविंग सेल को, कैसे सेल को, लिविंग सेल को, ठीक, तो कैसे पता चला कि सेल लिविंग है, ठीक, तो ये मतलब जब वो रॉबर्ट हुक पहली बार सेल के बारे में कुछ बताया और देखा तो ये बात थोड़ा फैल गया, किसी जनरल में पब्लिश किया, ठीक है, जिस जनरल का नाम था माइक्रोफिलेजिया, ठीक है, ये लोग जब पढ़ा ये लोग लगा यार सेल कुछ इस टाइप से एग्जिस्ट करता है, इन्होंने क्या किया जो पोंड वाटर होता है ना पोंड वाटर, ये पोंड वाटर को लेकर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, ठीक है,
तो उसमें इसको क्या क्या दिखाया गया, बैक्टीरिया था, मतलब उस समय इसको पता नहीं था कि बैक्टीरिया है, उसमें प्रोटोजोआ था, प्रोटोजोआ था, उसका उसको जो देखा तो वो देखा तो जो मूवमेंट कर रहा था, एक वो जब माइक्रोस्कोप हम देखे तो वो क्या कर रहा था, मूवमेंट कर रहा था, उसका वो नाम दिया एनी मॉलिक्यूल्स, क्या दिया, ठीक है, एनी मॉलिक्यूल्स, ठीक। एक्चुअली उस टाइम ये पता नहीं था कि बैक्टीरिया है प्रोटोजोआ, अब हम उसके बारे में जानते हो बैक्टीरिया था और प्रोटोजोआ था, ठीक है, लेकिन उस समय उसने किस इसका नाम क्या दिया था, एनी मॉलिक्यूल्स, ठीक, जो पोलर वाटर में ऑब्जर्व किया था। तो सबसे पहले डिविशन ओपन कर रहा था लेवन हॉक ने, और उसको कैसे पता चला, क्योंकि उसमें जब माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर रहे थे तो वो मूवमेंट कर रहा था, इसलिए उसको लगा ये देवी है, ठीक। और तीसरा साइंटिस्ट जो पढ़े होंगे वो होगा कौन सा, रॉबर्ट ब्रूक, मैं रॉबर्ट ब्रूक तो बता दें, रॉबर्ट ब्राउन, कौन सा, रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। इन्होंने क्या चीज का खोज किया था, सबसे पहले क्या चीज को देखा था, ये न्यूक्लियस, इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस के बारे में, और सिर्फ ये देखा था न्यूक्लियस को, ठीक है ना, और ये डिस्क्राइब नहीं किया, जो मतलब क्या है, नया क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फंक्शन है, लाइक दैट कुछ भी नहीं बताया, ठीक है, डिस्क्राइब कौन किया उसके बाद में जो साइंटिस्ट है, बहुत सारे साइंटिस्ट है उन्होंने इस सबको बताया, ठीक है। और हिस्ट्री में लगभग इन्हीं तीन चीज के, इन्हीं तीन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है, तो फिर जब सेल थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे स्लाइडन एंड स्वान के बारे में, ठीक है, अभी इसके बारे में बस हिस्ट्री में इतना ये पढ़ लो, वही काफ़ी है, सेल थ्योरी में आगे बताया जाएगा, ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी।